छोड़कर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर बहुत तेजी से ऊपर उठती हुई पार्टी के तौर पर देखी जा रही है। और साफ तौर पर यहां पर जो हम देख रहे हैं, जो तमाम तस्वीरें हैं, तौर पर तस्वीर रोड शो का इंतजार कर रहे थे और ये रोड शो अभी शुरू हुआ है ब्रह्मश्री नारायण गुरु सर्कल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारायण गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। नारायण गुरु जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी काफी मान्यता है इस क्षेत्र में क्योंकि वो सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो शुरू किया और हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और जो मैंगलोर बीजेपी का गढ़ माना जाता है हमेशा से, मैंगलोर करावली क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी हमेशा साल 1991 से बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करती आई है। तो मैंगलोर बीजेपी के लिए एक गढ़ माना जाता है और बीजेपी इस क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का आयोजन है तो हजारों की संख्या में हम लोगों को देख सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का एक सुनामी वेव यहाँ पर नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो कोयम्बतूर हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, जो विकसित भारत का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं लोगों के सामने, 2047 का विजन जो है, इसको इस बात पर यकीन करते हैं लोग और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी तक कई योजनाओं, कई विकसित विकास योजनाओं का आगाज भी किया है यहाँ पर उन्होंने। तो ये जो रोड शो है करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो रहेगा और हर जगह चप्पे चप्पे पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है बैंगलोर एक कोस्टल इलाका है, कोस्टल रीजन है, करावली के तौर पर जाना जाता है और इस क्षेत्र में जो विकास की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले यहाँ पर न्यू बैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी में करीब 3,800 करोड़ की योजनाओं का आगाज भी किया था। यहाँ बैंगलोर में देखिए मछुआरे जो है, मछुआरों के लिए बंदरगाह की सुविधा यहाँ पर केंद्र सरकार ने तैयार की थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो बैंगलोर को विकास की राह पर लाकर खड़ा किया है। हालांकि बैंगलोर पोर्ट होने के नाते एक विकसित शहर माना जाता है और बैंगलोर के बाद बैंगलोर जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा विकसित शहर माना जाता है। तो बैंगलोर की कोस्टल लाइन को डेवलप करने के लिए इसे सागरमाला प्रोजेक्ट से जोड़ा भी गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये तमाम जो सौगात जो है यहाँ के लोगों को दे चुके हैं, तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए, प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए लोग उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर बैंगलोर की सड़कों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के साथ हम देख सकते हैं कि बैंगलोर के जो उम्मीदवार हैं विजेश चौधा और तमाम और पुजारी जो है वो उनके साथ खड़े हैं और ये दोनों जो है प्रधानमंत्री, इन दोनों के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोग उनका स्वागत करने उन पर पुष्प बरसा रहे हैं। ये एक अद्भुत नज़ारा मैंगलोर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हर कोई प्रधानमंत्री को पुष्प से स्वागत करना चाहता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और इस रोड शो में, इस रोड शो का हिस्सा बनकर जहाँ की मैंगलोर में एक इतिहास बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आयशा, कर्नाटक को दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी के लिए प्रवेश द्वार भी माना जाता है। 2019 में भी हमने देखा 28 में से 25 सीटें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ग्राफ तैयार करने की कोशिश और दक्षिण भारत में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत अब की बार करती हुई नजर आएगी। कर्नाटक बीजेपी का दक्षिण का द्वार माना जाता रहा है हमेशा से, बीजेपी कर्नाटक में काफी मजबूत रही है और ये जो क्षेत्र है मैंगलोर करावली क्षेत्र है,
यहीं से बीजेपी की शुरुआत हुई थी, उड़पी से बीजेपी ने अपनी शुरुआत की थी कई दशक पहले, और यहाँ से सिर्फ एक विधायक के जीतने के बाद से बीजेपी का करीब 3 दशक पहले का सफर जो है, उसके बाद बीजेपी कर्नाटक को दक्षिण का द्वार बना चुकी थी, और यहाँ पर बीजेपी ने लगातार 3 बार अपनी सरकार भी बना ली है। और इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री में करीब 129 चुनौती भी है सामने, या आपकी बार जो तमाम विकास की गाथाएं लिखी गई, जो तमाम परियोजनाएं योजनाएं चलाई गई, उसका सीधा लाभ अब की बार बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बीजेपी अब की बार 400 पार कर जो नारा लगाए हैं, ये लोगों तक पहुंच रहा है, ये लोगों के लिए एक आम स्लोगन बन गया है। और जो विकास की धारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले उन्होंने विकास की धारा इन तमाम राज्यों में, इन तमाम स्टेट में लागू की।